Hey guys, good morning. So today is the fifth day of our trip. We are in Krabi right now and आज हमारी फ्लाइट है बैंकॉक के लिए शाम के 6 बजे. अभी बज रहे हैं 8:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट के बाद स्विमिंग करने का प्लान है. आज का डे बहुत ही सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा प्लान्स नहीं रखे हैं, सिर्फ चिल करेंगे. दैट्स इट. सो लेट्स स्टार्ट द डे. बैठ गए हैं अपना ड्रिंक लेके. मैंने लिया है थाई टी जो कि मुझे बहुत दिनों से ट्राई करना था. एंड अंकल ने लिया है जैक डैनियल्स विस्की विद कोला. फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेट्स सी कैसा है. हमें फाइनली कोकोनट आइसक्रीम मिल गया है. सो इस आइसक्रीम में फर्स्ट लेयर उन्होंने राइस का दिया है, देन कोकोनट जेली था, उसके ऊपर कोकोनट आइसक्रीम एंड देन नट्स. सो वी हैव कम हियर फॉर लंच. यहाँ इंडियन इटालियन सब कुछ मिलता है. सो वी हैव प्रॉन करी एंड राइस for lunch and garlic bread. We are waiting for chili chicken. So we are back to our hotel. Lunch करके हम आ गए थे. अभी यहीं से हमारी कैब है फॉर द एयरपोर्ट.
हमने अपना लगेज यहाँ पर लगेज रूम में रखवा दिया था, क्योंकि चेकआउट टाइम यहाँ पे 12 बजे होता है और हमें 3 बजे कैब लेनी है। तो इट्स ऑलरेडी 3 o'clock, निकलने का समय हो चुका है। सो मिनी रिव्यू ऑफ द लंच, यहाँ पे चाइनीज़ या इंडियन बहुत ऑथेंटिक हमें नहीं मिला, बट अगर आप यहाँ आ रहे हो गो फॉर थाई फूड ओनली। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए आप इंडियन या चाइनीज़ ले सकते हैं, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। सो जो चिली चिकन था दैट वॉज नॉट एट ऑल गुड, बट प्रॉन करी एंड राइस वॉज ऑसम। सो आर कैब इज़ हियर, अभी हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। सो हम निकल चुके हैं फॉर द लास्ट टाइम क्रावी बीच। कैसा रहा अंकल क्रावी का ट्रिप? बहुत ही शॉर्ट था, बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। और भी ज़्यादा दिन होने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 3 days इज मोर देन एनफ यहाँ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम आइलैंड टूर कर चुके थे फुकेट में स्टे करके। कुछ और जगह भी कवर हो सकती है, बट इट्स फाइन। अभी हमारा प्लान नेक्स्ट बैंकॉक जाने का भी है, वी थॉट आइलैंड आए तो सारा कुछ कवर करना चाहिए। हम इंडियंस हैं, हम एक ही ट्रिप में सारा कुछ कवर करने का सोचते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फुकेट में ना रह के आप क्रावी पे ही स्टे करें, एंड यहाँ से सारे आइलैंड टूर्स अवेलेबल है। सो यहाँ से आप और चीप भी है, ऐसा हमें लगा कि यहाँ के राइड्स चीप थे, बट आप अपना रिसर्च करके आइए। बैंकॉक एयरपोर्ट, यहाँ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। बेल्ट पे सामान आने से पहले ही ट्रॉलीज अरेंज्ड होती हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो अभी जस्ट हमने कैब कर ली है, या कैब का जो ऐप है उसका नाम है बोल्ट। आई थिंक हमारी कैब आ ही चुकी है, लेट्स गो। होटल रूम, यहाँ एक ड्रेसिंग एरिया है, एक लॉकर है, वार्डरोब यहाँ के मोस्टली ऐसे ही रहते हैं ओपन, सिर्फ हैंगर्स रहते हैं, आप अपना सामान हैंग कर सकते हैं इधर। देन यहाँ पे एक ह्यूज सिटिंग एरिया है, आई थिंक 2 लोगों के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा रूम है ये। एंड यहाँ पर डबल बेड्स हैं 2, एंड एक ह्यूज विंडो पेन है। यहाँ पे फ्रंट में टीवी है, एंड ये है बाथरूम। और ये है शावर एरिया। इस कॉर्नर पे एक कॉफी स्टेशन है, एंड उसके नीचे एक फ्रिज है। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे स्लिपर्स दिए हुए हैं गेस्ट के लिए, जो कि मोस्टली नहीं मिलता है।
So that's it for the room tour. So हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. थोड़ी देर बाद बाहर जाएंगे डिनर के लिए. एयरपोर्ट से डेल तक का पूरा जर्नी बहुत ही स्मूथ रहा. थोड़ा बहुत ट्रैफिक था बट नॉट मच. होटल इन बैंकॉक. अभी बज रहे रात के 9:45 और ये है हमारा होटल. होटल के एंटर होते ही एक छोटा सा टेंपल रहता है. ये हमने हर होटल के बाहर देखा एंड वहाँ पर ड्रिंक्स एंड कुछ फूड आइटम्स चढ़ाते हैं यहाँ पे. तो अभी हम निकले थे डिनर की सर्च पे क्योंकि होटल का जो रेस्टोरेंट है वो 9:30 तक ही ओपन रहता है. सो हम थोड़ा बाहर निकले कि क्या फूड ऑप्शंस है. तो मोस्टली चीज़ें बंद हो चुकी है. बाहर जो ऑप्शंस थे वो एकदम ही लोकल फूड ऑप्शंस थे तो हमें समझ नहीं आया वो हम खा पाएंगे कि नहीं. तो अभी एक फूड ऐप हमें मिला है, ग्रैब नाम है उसका. वहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस किया है और अभी दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 मिनट्स उसको लगेगा डिलीवर होने में. तो अभी हम चलते हैं अपने होटल वापस, रूम में चलते हैं एंड वेट करते हैं अपने खाने का. ये है होटल का एंट्रेंस और यहाँ पे टुक टुक सर्विस अवेलेबल है. आपको होटल के लॉबी से बाहर तक अगर जाना है तो यू कैन गेट अ टुक टुक. यहाँ 9:30 के बाद हमें टुक टुक भी अवेलेबल नहीं था तो हम वॉक करके ही गए अभी वापस अपने होटल. आई थिंक ये रेस्टोरेंट का एरिया है जो कि अभी बंद हो चुका है. एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट. इस होटल का व्यू है रिवर फ्रंट. वाह, सो ब्यूटीफुल. आई थिंक ये नीचे का रेस्टोरेंट है. आपको टूर करवाऊंगी क्योंकि प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है. अभी सब कुछ क्लोज हो चुका है तो जस्ट नाइट व्यू आप देख लीजिए. आई थिंक ये सब डाइनिंग एरिया है. अभी 9:30 पे सब कुछ बंद हो चुका है. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. यहाँ हमने इतने सारे बोगनविलिया प्लांट्स देखे हैं. ये है रिवर फ्रंट. द प्रॉपर्टी इज ब्यूटीफुल. सो द फूड इज हियर. सो वी हैव नाचोस, सॉफ्ट टैको, क्रंची टैको,